रिया जी, कृष्णा जी, चर्चा प्रारंभ करें। जो भी प्रश्न हो सनातन धर्म से संबंधित, कोई भी प्रश्न, कोई भी चर्चा हम लोग इस सत्र में कर सकते हैं। बोलिए। चलो ईसा पुत्र जी, आप वो मंत्र तो बोलिए, शुभारंभ करें। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। जी बताएं, जो भी प्रश्न हो तो हम चर्चा प्रारंभ करें। स्वामी जी, ये जो षट दर्शन है अपने, क्या ये वेदानुकूल है? देखिए, जो षट दर्शन है या अन्य बहुत सा आर्ष साहित्य जिसे कहते हैं, इसको दयानंद जी ने आर्ष साहित्य कहा है, तो वो निश्चित रूप से वेद के बहुत निकट है, परंतु उनमें से कोई भी ग्रंथ 100% वेद के अनुकूल होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए महर्षि ने कहा है कि इन आर्ष ग्रंथों को पढ़ना तो चाहिए, उसमें अधिकांश अच्छा है, परंतु यदि कहीं भी संदेह हो तो वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परतः प्रमाण है। अतः वेद के अनुकूल उसमें जो बात है, षट दर्शन हो, ब्राह्मण आरण्य या उपनिषद हो, धर्म सूत्र, गृह सूत्र आदि हो, जो भी ग्रंथ इस प्रकार के हैं, उनमें जो बात वेद के अनुकूल है वो मान्य है, और जो वेद के प्रतिकूल है वो हमें नहीं माननी है। अधिकांशतः वे ठीक हैं, इसीलिए उनको आर्ष ग्रंथ, आर्ष साहित्य में माना जाता है, क्योंकि वो अधिकांशतः ठीक है। परंतु हो सकता है किसी विशेष स्थिति में यदि लगे तो उनमें कही गई बात को हम प्रमाण नहीं मानेंगे, प्रमाण वही मानेंगे जो वेद में कहा गया है। ओम। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी आर्या जी, आप भी कुछ बताएं, कोई प्रश्न हो, विचार हो, रख सकते हैं, ये बिल्कुल खुला सत्र होता है। हाँ, सही कह रहे हैं स्वामी जी आप, जो जो वेदानुकूल है बातें हैं वो तो जो है सही है, मानने योग्य हैं, जो भी वेद विरुद्ध चीजें हैं उनको तो मानना नहीं चाहिए। फिर भी इनको जो बताया गया है कि वेदों को ठीक ठीक जानने समझने के लिए हम लोगों को जो है षट दर्शनों को भी पढ़ना चाहिए। जी जी कृष्णा जी, आप भी कुछ बताएं। जी आर्य जी, आपका पूरा नाम क्या है? इसमें आर्य लिखा हुआ दिख रहा है। अरे स्वामी जी, कपिल आर्य। अरे यार, तो कपिल दिखना चाहिए ना, आर्य तो सभी लोग लिखते हैं, कपिल दिखेगा तो मैं जान जाऊंगा। वो जो है ना, ईमेल की आईडी है, वो स्वतः अपने आप जो है लिख के आ जाता है। चलिए, जो भी हो सके देखिएगा, बताइए, मतलब नाम सुनकर के भाव बिल्कुल अलग हो गया है ना, तो बिल्कुल सही है। प्रयास करें, अगर आएगा तो अच्छा है, कोई बात नहीं, वो सब तकनीकी व्यवस्थाएं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, जी। आ गए हैं, स्वागत है आपका जी। इसमें थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे, बहुत लोग नहीं हैं, कभी कभी बहुत लोग जुड़े होते हैं हमारे साथ, बहुत से नए लोग भी होते हैं जो हमारी इस परंपरा से परिचित नहीं होते, तो कहीं कहीं एक एक शब्द में भी भ्रम हो जाता है, तो थोड़ा सा स्पष्ट रहना है कि जब
वेद स्वतः प्रमाण है और वेद प्राचीनतम है, सृष्टि के आदि से है। तो वेद को पढ़ने समझने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। वेद के आधार पर अन्य विषय विकसित हुए हैं, उनकी प्रामाणिकता वेद से जांची जाएगी, और उस विषय विशेष को जानना है तो उन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेद में सब कुछ विस्तार से नहीं है। यदि हमें आयुर्वेद की जानकारी चाहिए तो हमें आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, निश्चित रूप से पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम कहें नहीं आयुर्वेद मत पढ़िए, वेद पढ़ करके ही आयुर्वेद आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो बात बिल्कुल ठीक है। यदि हमें दर्शन के विषय में जानना है, जब मैंने कड़ाद का वैशेषिक दर्शन पढ़ा, मैं विद्यार्थी था, तो मुझे वाकई लगा कि परमाणु सिद्धांत तो कड़ाद के वैशेषिक दर्शन की विशेषता है, वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय ही परमाणु है। तो सुखद आश्चर्य हुआ कि इतने प्राचीन काल में परमाणु का अवधारणा कहने कम से कम हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अब अगर हमें उस दर्शन को, प्रकृति को, उसके तत्वों को, जो कड़ाद ने कहा, उन्होंने प्रकृति को नौ तत्वों में, नौ भागों में विभाजित किया, पृथ्व्यापस्ते जो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मनि द्रव्याणि, उन्होंने नौ द्रव्य माने, सामान्यता पंच महाभूत कहे जाते हैं। तो अब यदि इस विषय को हमें जानना समझना है तो कड़ाद का वैशेषिक दर्शन निश्चित रूप से हमें पढ़ना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से। ये सारी बातें वेद में तो नहीं मिलेंगी इस तरह से, परंतु ये कहा जाए कि अगर हम कड़ाद का वैशेषिक दर्शन नहीं पढ़ेंगे तो वेद समझ में नहीं आएगा, ये उचित नहीं। वेद को पढ़ते जाइए, वेद समझ में आएगा। वेद समझने के लिए हमें एक संस्कृत भाषा भी नहीं, मैं कहूंगा वैदिक भाषा से सामान्य सा परिचय होना चाहिए। धातु अर्थ करना अनिवार्य है, तो हमारे पास धातुवादी कोश होना चाहिए और व्याकरण के मूल बातों से हमें परिचित होना चाहिए। शेष भाई, हमने या अन्य विद्वानों ने जो भाष्य कर दिए हैं वो आपका सहयोग कर सकते हैं। तो वेद को पढ़ने के लिए आपको वेद पढ़ना है, थोड़ा सा वैदिक भाषा की व्याकरण जाननी है, धातुवादी कोश, शब्द कोश आदि जो भी हो सके वो आपके पास देखने के लिए उपलब्ध हो, इतना पर्याप्त है। कोई अन्य ग्रंथ पढ़ना आवश्यक नहीं है वेद को पढ़ने समझने के लिए, उस विषय को जानने के लिए वो ग्रंथ पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि वेद को हम कहते हैं प्योर साइंस है, उसमें सूक्ष्म रूप से, सिद्धांत रूप में सारी बातें कही गई हैं, परंतु विस्तार से कोई विषय इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो भी, जिसे दर्शन को उपांग कहा गया है, व्याकरण आदि को वेदांग कहा गया है, तो वेदांग, उपांग, उपवेद इसीलिए हैं कि उन विषयों को विस्तार से समझा जाए, परंतु वेद को समझने के लिए उनकी अनिवार्यता नहीं है। यह मैं स्पष्ट रूप से अपने साथियों को बताता हूँ। हो सकता है बहुत से विद्वान हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन हमारा ये इतने दिन के स्वाध्याय का दृढ़ निश्चय अवश्य है। ओम हरीश जी, आप भी अपनी बात रखें। स्वामी जी नमस्ते, धन्यवाद। जो आपका मत है लगभग मेरा भी वही मत बना है, इसलिए मैं पूरी तरह सहमत हूं। नहीं, कोई और प्रश्न विचार, मैं चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए, ये बात तो हो गई, ठीक है, आपने सहमति दी, आपको धन्यवाद, हमें भी अच्छा लगा। तो अब कोई और प्रश्न, कोई और विषय भी ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं आप भी या कपिल जी या जो भी। स्वामी जी, वर्तमान में जैसे अभी अपने यहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम नासा में अंतरिक्षयान को भेजने का, तो उसके लिए भारत की स्थिति क्या विदेशों से दूसरे देशों की तुलना में बराबर हो जाएगी, या हम उनके बराबर अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर सकेंगे, या हम उनके पिछलग्गु ही बने रहें, ऐसा कुछ मेरा है, थोड़ा सा उसको उत्तर देने की कृपा करें। आपने प्रारंभ में क्या भेजने की बात कही है वो संभवतः हम उतना नहीं समझ पाए, तो दोहरा दीजिए। जैसे अपने अंतरिक्ष यान जा रहे हैं ना आजकल, अंतरिक्ष के अंदर, उसको लेकर के है, क्या हम जो है विदेशों की बराबरी में खड़े होंगे, या हम अपने आप में स्वतंत्र रूप से खड़े होंगे,
या हम आज भी उनके पिछलग्गू ही बने रहेंगे, ये है मेरा प्रश्न, जिस पर मुझे आपसे थोड़ा सा। आपकी बात स्पष्ट हो गई। देखिए निश्चित रूप से अब हमें यह मानना चाहिए कि अंतरिक्ष सहित लगभग सभी क्षेत्रों में भारत विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में सम्मिलित है। ये आज नहीं हुआ, प्रारंभ में जब ये किया गया, जब मंगलयान सफलतापूर्वक गया था, मंगलयान जब सफल हुआ था, पहले हमने चंद्रयान एक भेजा, वह भी सफल हो गया। पहले प्रयास में मंगलयान हमारा सफल हुआ तो ये कहा गया ये विश्व में पहली बार हुआ था कि किसी देश ने पहला मंगलयान भेजा वो सफल हो गया। इसके पहले रूस अमेरिका आदि ने भेजे, कई बार प्रयास किया, असफल हुए, फिर अंत में उन्हें सफलता भी मिली। भारत पहला देश बना जिसने पहले प्रयास में सफलता पाई। तो उस समय भी इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा इसका श्रेय आप हमको मत दीजिए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। जिन्होंने मंगलयान भेजा वो कह रहे हैं इसका श्रेय उनको है जो हमसे पहले थे, जिन्होंने पहला रॉकेट भेजा था जिसको बैलगाड़ी पर और साइकिल पर ढोया गया था। उस समय उनके पास पर्याप्त जीप आदि वाहन नहीं थे, कर्मचारी अपनी साइकिलों पर और बैलगाड़ी पर उसके पुर्जे ढो ढोकर यहां से वहां ले जाते थे। और उस समय पहला रॉकेट भारत ने भेजा, छोड़ा जिस स्तर का उसका जो भी उद्देश्य था उतना सफल हुआ, और वहां से उत्साह बढ़ता है और धीरे धीरे हम चंद्रयान मंगलयान भेजने में सफल हो जाते हैं। चंद्रयान एक सफल रहा, मंगलयान सफल रहा, फिर चंद्रयान दो असफल भी हो गया, अब चंद्रयान तीन गया है, ईश्वर करे सफल हो जाए, है ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र हैं वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो या परमाणु के क्षेत्र में हो, किसी अन्य तकनीक के क्षेत्र में हो, भारत विश्व के प्रमुख 5-7 राष्ट्रों में है। ये आज से नहीं 10-15-20 वर्षों से है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत विश्व के 4-5 प्रमुख राष्ट्रों में आज से नहीं 10-15 वर्षों से है। तो आज हमने वो स्थान प्राप्त कर लिया है, यूं कहें कि पहली बार ये स्थिति आई थी, जो G7 के देश होते हैं, है ना, उनमें भारत को बुलाया जाने लगा था। संभवतः हम लोग दलगत राजनीति को से न जोड़ें, मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो G7 के बैठकों में भारत के ओर से जाने लगे थे, उससे पहले नेहरू से लेकर के और जो भी कह लें, धीरे धीरे हमने विकास किया और तब इस स्थिति में आए कि देश के प्रमुख आर्थिक राष्ट्रों में भारत को सम्मिलित किया जाने लगा, तभी G20 बना और ये चार देशों का बने। तो भारत ने अब वो प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है, छोटी मोटी असफलता या सफलता दोनों मैं कह रहा हूं। हमारा जैसे चंद्रयान एक सफल हुआ, दो असफल हो गया, तीसरा भगवान करे सफल हो जाए ना भी, तो वो भारत का प्रमुख स्थान जो बन गया है वो बना रहेगा। एक दो प्रयासों के सफल या असफल होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम बढ़ते रहेंगे, हम विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में अब सम्मिलित हो चुके हैं। पिछलग्गू इस अर्थ में तो कह सकते हैं कि घड़ी साइकिल से लेकर के कुछ भी आविष्कार भारत में तो नहीं हुआ, पहले उन्होंने किया, धीरे धीरे हमने भी उसको सीखा और कह सकते हैं आज हम लगभग बराबरी पर खड़े हैं। तो भारत के लिए यही उपलब्धि है, नया भले न कर पाए हूं लेकिन उनके पीछे चलकर ही सही, तेजी से दौड़कर आज हम उनके बराबर खड़े हो गए हैं, इतना तो है। मैं समझता हूं मेरी बात यहां पर पूरी हो जानी चाहिए। ओम। तो उसका अर्थ स्वामी जी ये समझा जाए कि हम लोग उनके पिछलग्गू नहीं बने, हमने उनको देखा और स्वविवेक से निर्णय लेकर के दौड़ने का निर्णय लिया। जी ये ठीक है, मतलब कोई आविष्कार तो हम नहीं कर सके, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके पीछे ही चले, पहले उन्होंने किया हम बाद में चले, लेकिन फिर भी इतना हमने किया कि आज हम लगभग बराबर पर खड़े हैं।
भले ही आविष्कार का श्रेय हमको नहीं है, घड़ी साइकिल से लेकर के अंतरिक्ष यान तक भारत ने आविष्कार कुछ नहीं किया, इस तरह से कहें। अब कोई सज्जन इस पर तिलमिलाए नहीं कि कोई चीज छोटी सी चीज खोज कर बताए कि नहीं साहब ये भारत ने इस समय ये किया था, भारत ने बड़े अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बड़े आविष्कार किए हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, लेकिन एक ओवरऑल एक सामान्य रूप से स्थिति ये सत्य है कि कोई मौलिक आविष्कार हम भले ही नहीं कर सके, लेकिन जो एक लोग हास परिहास में भी कहते हैं कि नकल करने में हम बहुत आगे हैं, आप कुछ भी बनाओ और तत्काल हम उसका एक प्रतिरूप डुप्लीकेट तो तैयार कर ही देते हैं, तो यही प्रतिभा सही, और आज हम उनके बराबर टेक्नोलॉजी में हर तरह से खड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज उन बड़े बड़े राष्ट्रों के उपग्रह भारतीय यान से भेजे जाते हैं, भारत का अंतरिक्ष यान जाता है उससे वो लोग अपने उपग्रह भिजवाते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के अंतरिक्ष यान से भेजा गया था, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गया था। आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि भारत के अंतरिक्ष यान से यूरोप के बड़े बड़े देश, बड़े मतलब शक्तिशाली देश अपने उपग्रह हमारे अंतरिक्ष यान से भिजवाते हैं। क्यों भिजवाते हैं? ऐसा नहीं कि उनके पास तकनीक नहीं है, हमारे यहां से भिजवाना उन्हें सस्ता पड़ता है। जैसे कहा गया कि जितने में वो फिल्म बनाते हैं उतने में हमने मंगलयान भेज दिया, तो हम लोग बहुत सस्ते में काम कर लेते हैं, उनके यहां बहुत मूल्य अधिक लागत आ जाती है, इसलिए उपग्रह हमसे भिजवा रहे हैं, ये भारत की बड़ी उपलब्धि है, ये तो कहा ही जा सकता है। गौरव भी है, स्वामी जी थोड़ा सा सुधार करें, ये अंतरिक्ष यान नहीं, इसको SLV लॉन्चर बोलते हैं, अपना उनका रॉकेट लॉन्चर, नाम कुछ भी कह लें, सामान्य रूप से वो अंतरिक्ष यान है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके जो उधर जाता है, आज की भाषा में उसको अंतरिक्ष यान कहा जा रहा है, वैदिक भाषा में हमें उसे देवयान कहना पड़ेगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन जब हम आधुनिक बात कर रहे हैं तो आधुनिक शब्दावली में अब वो अनेक प्रकार के रॉकेट हैं, हमारे साइकिलें भी अनेक प्रकार की हैं, बाइक भी, कार और सभी वाहन, तमाम मॉडल और तमाम तरह की वो हैं, तो वो अंतरिक्ष यानों के भी ये हैं, वो क्रायोजेनिक इंजन है, और ये उसको हमने SLV नाम दिया है, उसको हमने ये नाम दिया है, लेकिन कुल मिला करके जैसे हम कहते हैं कि स्थल पर चलने वाले यान, ट्रैक पर चलने वाले को हम रेलगाड़ी कहते हैं, वायुमंडल में उड़ने वाले यानों को हम लोग वायुयान कहते हैं, वैसे ही जब उससे वो आगे जाते हैं तो उनको अंतरिक्ष यान कहते हैं, उसको सहज भाव में बस ऐसा ही समझे, वो विशेष उसका क्या नाम है वो एक अलग चीज है, वो अपने आप में आपने जो बताया वो भी ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो ठीक है। ओ गौरव भैया, पुलकित भैया कर रहे हैं कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये पुलकित जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये मिला है गौरव, देखो बेटा क्या बात है, हमको ही जुड़ने बहुत समस्या हुई, तो हमने तो बल्कि इससे अमन से कहा कि भाई गौरव से कहो ये नहीं हो पा रहा है, तब तक जुड़ गए हम, तो जैसा भी है देखो बेटा क्या है, पुलकित को जोड़ो किसी तरह। ओम, हाँ तो चर्चा आप लोग करते रहे, गौरव जी पुलकित को देखेंगे, गौरव है कि नहीं, गौरव बोलो जरा, हो लगता है गौरव फोन रख करके कहीं नहीं है, जोड़ो भाई पुलकित को जोड़ो, पुलकित की रिक्वेस्ट दिख नहीं रही है, बाकी सब तो जुड़ रहे हैं, देखो भाई ये मैसेज तो आया था कि पुलकित जुड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पुलकित की रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है, अब क्या करें भाई साहब, पुत्र जी आप कोऑर्डिनेट कर दीजिए इन लोगों को, कैसे हो जाएगा। नमस्ते स्वामी जी, मैं भी दो बार जुड़ने का प्रयत्न किया, जब जुड़ पाया हूँ। हाँ मैंने कहा ना, मुझे भी हुआ, अब वो को तकनीकी समस्या होगी, क्या कह सकते हैं, तो प्रयास करें थोड़ा सा, पुलकित से भी कहें रिक्वेस्ट डालें, जुड़ गया भैया, आ गए आ गए, पुलकित जी आ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ने में थोड़ी समस्या मुझे भी आज हुई थी, अन्य लोगों को भी हुई, लेकिन फिर भी सब साथी बहुत से जुड़ गए हैं, अच्छी बात है, तो चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते रहें, जिसका जो भी प्रश्न हो सनातन धर्म से संबंधित कर सकते हैं, खुला सत्र है, जो लोग भी जुड़े हैं सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, जिसको जो भी कहना है बोलिए। ओम,
स्वामी जी, आजकल जो हम लोग देखते हैं शोभा यात्राएं निकलती हैं, राम जी के लिए भी शोभा यात्रा निकलती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं और लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो सनातन की जो है मूल परिभाषा क्या है, लोगों को क्या बताया जाए, सनातन क्या है, इस पर आप कुछ बताइए। ये अवश्य बताएंगे, आप सायंकालीन कक्षा में नहीं जुड़े हैं, कल और परसों इस विषय पर हम लोगों ने अच्छी चर्चा की है और हमने अनुरोध किया था बच्चों ने, वो वीडियो का एक क्लिप अलग से डाल दिया है कुछ मिनट का, कि वैदिक कौन है, वैदिक किसे कहा जाए, तो उसको देख लीजिएगा। हमारा विचार यही है, जो वेद को अपना मूल आधार मानता है, वेद को अंतिम प्रमाण मानता है, वही वैदिक है, और कोई पूर्वाग्रह नहीं। वो मूर्त पूजा को मानता है या नहीं, वो हवन कुंड को मानता है या नहीं, वो द्वैत त्रैत अद्वैत क्या मानता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि यदि वो वेद को अपना मूल प्रमाण मानता है तो वो वैदिक है, सनातन है, आर्य है, जो भी कह लें, अन्य जो भी मतभेद या भ्रम है, जब वो वेद का स्वाध्याय करेगा तो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हमारा अपना स्पष्ट मत है। क्या ये कर्म जो है किए जा रहे हैं हिंदुओं के द्वारा, ये सुख देने वाले हैं, क्या ये सुख देंगे कर्म? जी स्वामी जी, समाज भ्रमित है, वेद मार्ग से दूर हो गया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पिछले लगभग सहस्र वर्षों से हम लोग वेदों से दूर चले गए हैं और उसी का परिणाम है कि जो भी ऐरा गैरा आता है हमारे ऊपर शासन करने लगता है। आज भी वही स्थिति है, कुछ सुधार हुआ है, जैसा कि हमने कहा कि आज भारत विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में है, परंतु आंतरिक स्थिति तो हमारी अभी भी पूरी तरह नहीं सुधरी है। ऐसे छोटे से देश से में बैठकर वास्को डी गामा के साथ कुछ लोग आते हैं और भारत के शासक बन जाते हैं, गोवा दमन दीव जाने कहां कहां वो अधिकार करके यहाँ के राजा बन जाते हैं। इतना बड़ा देश लिए हम बैठे हैं, उन नजरों को मार मार के समुद्र में नहीं फेंक पाए। फ्रांस से लोग आए, वो पांडिचेरी में शासक बनकर बैठ गए। ब्रिटेन से अंग्रेज आए, पूरे देश के शासक बनकर बैठ गए। इतनी दूर देश से उस समय आज के जैसे विमान चलियान नहीं होते थे, कोई इंजन नहीं होता था, सामान्य नौका कह लें, वहां जहाज का अर्थ केवल बड़ी नाव से होता था, तो केवल बड़ी बड़ी नावों पर चप्पू चलाते हुए इतनी दूर यूरोप से लोग उस समय आते हैं और हमारे देश पर शासन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें कुछ गुण होंगे और हम में कुछ दोष होंगे। तो हमें ये देखना है उनमें जो गुण थे उसे अपनाएं और हम में जो दोष थे उन्हें दूर करें। ये करना चाहिए, नहीं हो रहा है, ये दुखद है, और इसीलिए हम आप जैसे लोग सक्रिय हैं, अपने सामर्थ्य पर प्रयास करते हैं और करना चाहिए। हमारा कहना घर घर वेद जन जन वेद का अभियान यदि हमारा आगे बढ़ जाए तो ये समस्याएं अपने आप ठीक हो सकती हैं। तो हम सब मिलकर यही प्रयास करें, घर घर वेद जन जन वेद, किसी तरह से वेद सब तक पहुंच जाए, तो ये समस्या बहुत कुछ दूर हो सकती है। तो केवल समस्या की नहीं, समाधान की चर्चा करें, और समाधान यही है घर घर वेद जन जन वेद। उस पर एक छोटी सी बात और कहूंगा, आप तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा उसे अगर कुछ अंतर हो तो व्यवस्थित कर लें, औरों के लिए प्रेरणा बनेगी। हमने कहा घर में वेदपीठ बनाएं, एकल गुरुकुल चलाएं, बहुत सामर्थ्य नहीं है, कोई समस्या नहीं, आपका अपना घर है, आप उसमें एक छोटा सा एक बोर्ड लगा दीजिए, वेदपीठ इस स्थान पर, नीचे लिख दीजिए संचालक आर्य कपिल जी, कपिल आर्य जी, संचालक आचार्य कपिल आर्य जी, बस आप, आपकी वेदपीठ है, आपके घर में है, आप उसके संचालक आचार्य हैं। एक समय निकाल लीजिए, एक घंटा आधा घंटा जो आपको सुविधाजनक लगे, प्रातः काल सायंकाल जो समय आपको उपयुक्त लगे, उतनी देर बैठ करके आप वेद पाठ और वेद व्याख्यान प्रवचन आप जैसा कर सकते हैं करें, धीरे धीरे लोग जोड़ने लगेंगे और ऐसे केंद्र वेद पीठे आप प्रयास करें, 10 लोग आपके साथ जुड़े और जो थोड़ा सा आपसे दूर हैं उनसे कहिए आप अपने घर में भी ऐसी एक वेदपीठ चलाइए। तो इस तरह से वेदपीठों की ये श्रृंखला यदि बन जाएगी
जिसमें बहुत व्यय लागत नहीं है, कोई भवन नहीं बनवाना है, तो इस तरह से हम चाहें तो 1,25,00,000 1,25,000,000 वेदपीठ बना सकते हैं। इस तरह से वैदिक जागरण हो सकता है और वैदिक युग जो हमारी परिकल्पना में है वो आ सकता है। विश्व को नहीं, कम से कम इस देश को एक वैदिक राष्ट्र आर्यावर्त बनाया जा सकता है। हम सब लोग मिलकर इस दिशा में अपने सामर्थ्य पर प्रयास करें, हम यही कह सकते हैं। ओ जी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है इसको करता हूँ, मैं जल्द ही जो है एक वेद पीठ जो है अपने घर पे भी बनाता हूँ और करता हूँ, जो आपने बताया वो करता हूँ। जी जी अति उत्तम, इसे करें और इसे जानकारी दें सभी सोशल मीडिया पर, और ये प्रेरणा बन जाए अन्य लोगों के लिए कि हाँ भाई, ये कपिल जी ने यहाँ किया है और हम जिस स्थान पर हैं हमें भी करना। मतलब प्रथम वेदपीठ अगर यदि आप इस तरह बनाते हैं तो वो सबके लिए प्रेरणा बन जाएगी और देश भर में वेदपीठ अभियान का शुभारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अति उत्तम। और किसी को कोई प्रश्न, कोई विषय रखना है तो रख सकते हैं, स्वागत है। ओम। गुरु जी, मुझे पुरुषार्थ के बारे में जानना था। एक मतलब जैसे हम सब हैं, हमारे सापेक्ष जानना था कि हमारे लिए पुरुषार्थ क्या है, एक विद्यार्थी और वेदार्थी के रूप। देखिए, आपके लिए पुरुषार्थ यही है जो अभी हमने बताया कि इस तरह से घर घर वेद, जन जन वेद का अभियान आप आगे बढ़ाएं, वेद का स्वाध्याय करें, वेद के आचार्य बने। आप वेद मंत्र की व्याख्या करते भी हैं, हमें प्रसन्नता है। तो इसी तरह से आपके लिए सर्वोत्तम पुरुषार्थ यही है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है, प्रसंग बस ध्यान आ गया तो जरा समझ लें। पुरुष का अर्थ, हम लोगों ने भी पुरुष सूक्त पढ़ा है। पुरुष सूक्त का में क्या पढ़ा, पुरुष का क्या अर्थ है, पुरुष धातु है, अग्रसर होना, अग्रणी होना। तो पुरुष कौन है जो अग्रणी है, इसीलिए परमात्मा को भी पुरुष कहा गया, क्योंकि वह संपूर्ण सृष्टि में अग्रणी है, इसलिए उसे भी पुरुष कहा गया। तो जो अग्रणी है वो पुरुष है, और जो उसके लिए सार्थक कर्म है वो उसका पुरुषार्थ है। तो आपको समाज में अग्रणी होकर कार्य करना है, यही आपका पुरुषार्थ है। हमारे घर घर वेद, जन जन वेद अभियान में आप अग्रणी बने, यही आपका पुरुषार्थ होगा। इसीलिए आपको हम पुरुषार्थी मानेंगे। आप वेदार्थी हैं और पुरुषार्थी भी हैं, तो आप वेदार्थी और पुरुषार्थी बने, वेद के विद्वान बने, वेद के आचार्य बने, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, समाज के लिए अग्रणी विद्वान हो और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। ओ जी, बताएं, किसी को कुछ भी कहना है तो बोलिए। बल्कि बात पूरी हो गई, अगर कुछ कहना हो तो कह सकते हो, यदि कोई और आशा तुम्हारा रहा हो तो। नहीं गुरु जी, बात तो हो गई, बस मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि मतलब अभी जैसे मुख्य है, ये तो कार्य चल ही रहा है अपने वेद का, तो एक विद्यार्थी के लिए भी पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता, मैं उस वे में जानना चाह रहा था कि एक मतलब जैसे कई लोग समझते हैं कि विद्यार्थी मतलब पुरुषार्थ नहीं कर सकता, कई सोचते हैं कि मतलब अलग अलग वो होते हैं ना सोच, तो मतलब जैसे मेरा आशय उससे था कि कई लोग अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो उसका पुरुषार्थ है कि नहीं है उस विद्यार्थी जीवन में, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अन्य चीजें करे, तो उस आशय से जानना चाह रहा था थोड़ा। देखिए, विद्यार्थी का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है विद्या का अध्ययन करना, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। भाई जो जितना परिश्रम करता है, जितनी अधिक विद्या अर्जित करता है, विद्यार्थियों में उसी को सबसे अधिक पुरुषार्थी कहा जाएगा। विद्यार्थी का सबसे बड़ा पुरुषार्थ विद्या का अध्ययन करना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। शेष बातें वैकल्पिक हैं। अब विद्यार्थी विनम्र भी हो, माता पिता बड़ों का, गुरुजनों का, शिक्षकों का सम्मान करे, ये उसे अपेक्षा है। परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मैं स्वयं रहा हूं, विद्यार्थी है, कभी कभी थोड़ा होता है
चंचल है, कथित रूप से उतना विनम्र सहनशील नहीं है। हम अपने अध्यापकों से भी लड़ जाते थे, कोई विषय उठा और नहीं आया तो फिर। लेकिन बहुत से अध्यापक हमको इसके लिए प्यार भी करते थे, बोले कोई बात नहीं, पढ़ने में तो अच्छा है, लड़ता भी है तो पढ़ाई के लिए ही ना। तो स्वाभाविक है उस समय वो रुष्ट भी होते होंगे जो, लेकिन अंततः हमको उनका प्यार भी मिला। और आज हम अनुभव करते हैं कि अगर ये थोड़ी सी और शालीनता विनम्रता होती तो मेरे लिए, मेरे विद्युत के लिए और भी अच्छा हो सकता था, लोगों का और अधिक प्यार दुलार हमको मिलता। तो एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, मेधावी विद्यार्थी के रूप में हमें जो प्यार दुलार मिला, अच्छी बात है। अन्य बातें यदि दोष भी है तो गौड़ हो गई, परंतु यदि अन्य गुण भी हो तो और भी अच्छी बात है, वैसे बड़ी बात क्या होगी, है ना। तो ये हम कह सकते हैं मुख्य पुरुषार्थ तो आपका है विद्या अध्ययन करना, उसमें अग्रणी होना, और जितने भी मानवीय गुण आप अपना सकें तो अच्छी बात है। और जैसे कि ये ब्रह्मचर्य वगैरह कई बार चर्चा हो चुकी है, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, ब्रह्म की ओर चलना। ब्रह्म की ओर चलने के लिए आपको वेद का स्वाध्याय करना है, उस ब्रह्म अर्थात परमात्मा को जानना है, समझना है, ब्रह्म का अर्थ बढ़ना, वृद्धि करना है। तो आप अपनी और समाज की वृद्धि के लिए प्रयास करें, वही ब्रह्मचर्य है ना। ब्रह्म उसे कह रहे हैं जो सबको आगे बढ़ा रहा है, तो आगे बढ़ें, आप भी बढ़ें, दूसरों को बढ़ाएं, इसके अनुकूल जो चर्या है वही ब्रह्मचर्य है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का कोई अर्थ होता है, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इतना कह सकता हूं, कोई समझा दे। हम लोग तो शब्दों का धातु अर्थ करते हैं, आप बता दीजिए ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या हुआ। ब्रह्म और चर्य दो शब्द हैं, ब्रह्म शब्द बृहधातु से बना है जिसका अर्थ वृद्धि करना है, और चर्य शब्द चर धातु से बना है जिसका अर्थ चलना, चरण आचरण विचरण है। तो स्पष्ट हो गया, ब्रह्म की ओर चलना, ब्रह्म की ओर विचरण करना, ब्रह्म के निर्देशों के अनुसार आचरण करना, यही ब्रह्मचर्य है। इसका कोई सीमित संकुचित अर्थ यदि कोई लेता है तो मैं उसे उचित नहीं मानता। अनेक बार इस पर चर्चा हुई है, एक बार और स्पष्ट कर दिया। ओम जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उत्तर मिल गया। इसलिए गुरु जी ये पूछना आवश्यक था क्योंकि आजकल मतलब कई लोग ऐसे ही खुद को मतलब सनातनी दिखाने के लिए, हिंदू भी चलता है, हिंदू दिखाने के लिए मतलब विद्यार्थी है लेकिन विद्या अर्जन नहीं करते और बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो वो द्वितीय काम है, द्वितीय है, पहले प्राथमिक तो विद्या अर्जन ही है ना, तो सबसे प्राइमरी तो उसको ही करना चाहिए। जी गुरु जी उत्तर देने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, हाँ इसको थोड़ा सा कहिए और कहे, जो आपने कहा आपका मूल प्रश्न जो स्पष्ट हुआ है, एक नीत श्लोक है, कहते हैं प्रथमे नार्जितो विद्या, द्वितीय नार्जितो धनम, तृतीय नार्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। पहली अवस्था आपकी विद्यार्थी की है तो आपका मुख्य कार्य विद्या अर्जन करना है। यदि आपने विद्या अर्जन नहीं किया तो आपने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अब विद्यार्थी जीवन के पश्चात दूसरी अवस्था जब आपकी आती है गृहस्थ की, तब क्या करना है, द्वितीय नार्जितो धनम, तब आपको धन अर्जित करना चाहिए। विद्या अर्जित कर ली, अब आपको धन भी अर्जित करना चाहिए, तभी तो आपका परिवार लोक जीवन चलेगा, तभी आप वेद प्रचार के लिए भी कुछ सहयोग कर सकेंगे। जब आपके पास अपने लिए ही धन नहीं होगा तो आप हमारे जैसों का सहयोग कैसे करेंगे। तो द्वितीय नार्जितो धनम, जिसने पहले विद्या अर्जित नहीं की उसका वो व्यर्थ चला गया जीवन, उसके बाद जिसने धन अर्जित नहीं किया वह भी एक प्रकार से निरर्थक चला गया। फिर बोले तृतीय नार्जितो पुण्यम, यदि विद्या अर्जित किया या नहीं किया, धन अर्जित किया या नहीं किया, उसके बाद आपको पुण्य अर्जित करना है। यहाँ पुण्य का आशय लोकोपकार करना, लोगों का उपकार करना, वेद का प्रचार प्रसार करना, लोगों की सेवा सहायता करना, पुण्य का यही भाव सहज भाव से समझ लें। तो अब जितनी मेरी सामर्थ्य है इस अवस्था में मैं प्रयास इतना तो कर ही रहा हूं कि आप लोगों तक वेद की जानकारी पहुंचा दूं, ये है पुण्य अर्जित करना। अब यदि किसी ने विद्या भी अर्जित नहीं की, धन भी अर्जित नहीं किया,
वेद का प्रचार प्रसार करके पुण्य भी अर्जित नहीं किया, तो कहता है चतुर्थे किम करिष्यसि, फिर चौथी अवस्था में तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, व्यर्थ का संन्यास लेकर बाबा जी बनकर समाज पर बोझ बने रहोगे। ये स्पष्ट कहा गया है, पहले विद्या अर्जन करो, फिर धन अर्जन करो, फिर उस विद्या और धन के द्वारा पुण्य अर्जन करो, लोगों की सेवा सहायता सहयोग करो, वेद का प्रचार प्रसार करो, और यदि ये तीन कार्य आपने नहीं किए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जीवन व्यर्थ है, आप समाज पर बोझ हैं, आप धरती पर बोझ हैं, अपने आप को सुधार लें। समझ में आया? अब आपकी बात पूरी तरह स्पष्ट हुई? ओम जी गुरु जी। जी किसी और कुछ कहना है तो बताएं। आर समाज के कार्यक्रम में मैंने ऐसे ही पढ़ दिया यही श्लोक चतुर्थे किम करिष्यसि, तो आर समाज में अधिकतर तो वयोवृद्ध ही होते हैं, तब मैं इतना वृद्ध नहीं था, ये दशकों पहले की बात है, तब हम युवाओं में गिने जाते थे, तो एक को बहुत वो लगा तो तिलमिला कर बोले यहाँ तो सब चतुर्थे किम करिष्यसि वाले ही आए, हमने कहा है तो हम क्या करें, सुधर जाओ। तो ये कटु है पर सत्य है, हमें स्वीकार करना चाहिए। अब कोई और विषय, कोई भी चर्चा, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई विचार हो तो रखें, अभी समय है, हम लोग बहुत चर्चा कर सकते हैं। स्वामी जी अभी एक प्रश्न उठा था शोभा यात्रा को लेके, उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ते हुए आगे बढ़ाता हूँ उस बात को कि शोभा यात्राएं जो हम निकालते हैं वो हमारे महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, हम इस बहाने हम उनका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। यद्यपि जैसे भी रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगा, इनकी हम शोभा यात्रा ना निकालें, इनके लिए हम कोई भी अलग से कार्यक्रम आयोजित ना करें तो इनका महत्व कम नहीं होता, लेकिन ये सब करते रहने से हमारे समाज में स्फूर्ति आती है, जो निष्क्रियता सुस्ती छाई होती है वो दूर होती है और मंग का संचार होता है। ये मैं उस बात को आगे जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, कोई और सज्जन कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं इस विषय पर, या कोई और बात बताएं। अब एक कपिल जी हैं कि कुछ कहेंगे? चलिए, तो किसी का और कोई विषय हो तो ले सकते हैं। इसको यही कहा जा सकता है कि आपकी बात ठीक है और एक उस भावना के साथ सहज भाव से उत्सव के रूप में किया जा सकता है, परंतु यह प्रश्न उठा है तो इसीलिए उठा है कि उसमें बहुत सी विकृतियां आ गई हैं जिससे समस्या आ रही है, या उस भाव से करते रहें तो अच्छा है, और ये भी है कि जब विकृतियां आ जाती हैं तो फिर हमें उसे रोकना भी पड़ता है, विराम लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा सोच समझ कर नए सिरे से फिर उसको थोड़ा ठीक करके तब आगे बढ़ें। तो वो ठीक है, परंपराएं हैं, अच्छी परंपराएं बनती रहती हैं, जो परंपराओं में कुछ दोष विकार आ जाते हैं तो उन्हें दूर भी किया जाता है। तो कोई अन्य विषय हो, कोई बात किसी को कहनी हो तो कह सकते हैं, अभी समय है। बोलिए भाई। स्वामी जी जैसा भी अपने बातचीत में निकल के बाहर आया कि महर्षि कणादि, तो उसी तरह से जो दूसरे और ऋषि रहे जिन्होंने तमाम सारे जीवन के पहलुओं को हुआ जाना, तो उसे पाश्चात्य विद्वान और वैज्ञानिक तासवाद के सिद्धांत से जुड़ते हैं, तो वो चीज तो आज तक स्थापित नहीं, तो फिर उसमें तालमेल और साम्य कैसे बने हमारी परंपराओं में और जो हमारे यहाँ से चले आ रहे ग्रंथों के उद्भव और सृष्टि के निर्माण में। मुझे लगता है तालमेल में कोई समस्या नहीं है,
क्रमशः विकास सृष्टि का हुआ है ये तो वेद बता ही रहा है। जब कुछ नहीं था, केवल शून्य था, केवल एक परमेश्वर निराकार अति सूक्ष्म चेतन सत्ता व्याप्त थी, तो क्रमशः पहले ऊर्जा उत्पन्न होती है प्रकाश ध्वनि, और धीरे धीरे उस ऊर्जा के संघनन से द्रव्य उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे सृष्टि बनती है, और उसका कैसे कैसे विकास होता है। यूं कहें तो ये तो वेद के अनेक सृष्टि सूक्तों में ये बात लगभग बताई गई है। नासदी सूक्त, सृष्टि सूक्त, हिरणगर्भ सूक्त, वेद में अनेक सृष्टि सूक्त हैं, और वो इस बात को कहते ही हैं कि पहले उस अवस्था से धीरे 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 ये विकास हुआ है। यहाँ बाइबल की तरह ये नहीं कहा गया है कि ईश्वर ने कहा हो जा और बस हो गया, 7 दिन में संसार बना, फिर भी उसको भी जोड़ा गया है कि 7, मतलब ऐसा भी नहीं था कि परमेश्वर ने बस कल्पना की और एक पल में संपूर्ण सृष्टि आ गई। वो उन्होंने भी ये कहा है कि क्रमशः 7 दिन तो लगे, 7 दिन में एक संरचना बनी, फिर उसने विश्राम किया या जो भी है, 6 दिन लगे, 7वें दिन विश्राम किया या जैसा भी कुछ है। ऐसा नहीं हुआ कि उसने सोचा, कहा और एक पल में सब कुछ हो गया। तो ये तो तय है क्रमशः विकास होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कुछ बातों को लेकर कुछ लोगों ने उठा दिया है, वे एक अलग विषय है। मतलब कुछ लोगों के अंदर एक कुंठा भी है कि ये सारी तकनीक वहां से क्यों आ रही है, पिछड़ क्यों गए। तो पिछड़ जाने की कुंठा से उभरने का यही तरीका है कि आप उससे कुछ नया अच्छा करके दें। जैसा कि अभी बात आई तो कहना पड़ा हमको कि सारे आविष्कार उन्होंने किए, फिर भी आज हम उनके बराबरी पर आ गए हैं, हमारे लिए यही उपलब्धि बहुत है। ठीक है, हम अब आविष्कार नहीं कर पाए, घड़ी साइकिल से लेकर के बल्ब तक हम आविष्कार कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी हम घड़ी साइकिल बल्ब वहां से मंगा रहे हो। आज हम बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, उनकी नकल करके ही सही। तो हमें अपने में वो सुधार लाना है कि हम धीरे धीरे अपने आप को विकसित करें। हमारी भाषा, व्याकरण, लिपि इसमें सर्वश्रेष्ठ है, हजारों वर्ष पहले से सर्वश्रेष्ठ है। दर्शन हमारा सर्वश्रेष्ठ है, आयुर्वेद हमारा सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तकनीक में हम पीछे हैं तो हैं, उसे स्वीकार करने में हमें कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। हम बहुत सी बातों में आगे हैं, तो कुछ बातों में पीछे हैं, कुछ बातों में वो आगे हैं। तो इसको लेकर के हमें एक अच्छी भावना, खेल भावना जिसे कह सकते हैं, रखनी चाहिए, कुंठा नहीं पालना चाहिए। मैं यही कहूंगा, विकासवाद का सिद्धांत कोई उनकी देन नहीं है, हमारे वेद से लेकर दर्शन तक उसकी एक प्रकार से मान्यता है। जो मैंने अभी कड़ाक को कहा, जो आप पंच महाभूत कहते हैं, जो उन्होंने 9 द्रव्यों की बात की, वो क्या है? वो भी तो विकासवाद है, ऊर्जा से लेकर के क्रमशः द्रव्य का विकास। तो ऐसा नहीं है, वो अवधारणा में बहुत अंतर नहीं है। भाई कड़ाक ने परमाणु की मूलभूत अवधारणा दी, डाल्टन ने उसका एक छोटा सा एक काल्पनिक प्रारूप प्रस्तुत किया, जो कुछ समय बाद नए खोजों के प्रकाश में व्यर्थ हो गया, असत्य सिद्ध हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ ना, इसी का नाम विकासवाद है। और विकास तो सदैव होता रहेगा, यदि विकासवाद नहीं होता, विकास नहीं होता, तो मनुष्य आज भी बंदरों की तरह पेड़ों पर जंगलों में रह रहा होता। निश्चित रूप से ये कण सत्य है कि क्रमशः धीरे धीरे हम लोगों ने विकास किया है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ओम। गुरुजी, ये विकासवाद के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम इतनी चर्चा तो करते हैं इन चीजों पर, बहुत लोग करते हैं व्हाट्सएप पर, ऑनलाइन मीटिंग्स में, लेकिन एक दिन मैंने देखा था कि जो आचार्य अग्निव्रत जी हैं, उन्होंने भी अपना विकासवाद का सिद्धांत दिया है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की जाती। तो उस पे लोग चर्चा करें तो वो भी एक नया सिद्धांत हो सकता है जिसे लोग माने, अपना लें। तो इस प्रकार से ही ये चीजें मिटेंगी जो भ्रम हुए, जो कहते हैं कि चिंपांजी से वो बना, तो वो तो साइंस ने भी नकार दिया है जो डार्विन का था, लेकिन जो अपना वैदिक सिद्धांत भी लोग दे रहे हैं तो उन पे भी हमको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भ्रम मिटेंगे और अपना वर्चस्व होगा, अपना अपन आगे बढ़ेंगे उन चीजों में। बेटा निश्चित रूप से जो भी नई अवधारणाएं, नई खोजें आए,
उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। यही तो विकासवाद है कि विचारों को निरंतर विकसित करते रहें, जड़ ना हो जाएं कि बस हम वहीं बैठ जाएं। विकासवाद की मूलभूत अवधारणा ही है कि हमें क्रमशः विकास करते रहना है। विकास का कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम सीमा नहीं है। पुराने सिद्धांत पीछे छूट जाएंगे, उससे नए अच्छे विचार सिद्धांत नहीं खोजे आएंगी। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाकर दिया वो ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने जो बल्ब बनाया था वो तो आज कहीं नहीं चलेगा। जेम्स वाट ने जो इंजन बनाकर दिया था भाप का इंजन, वो ऐतिहासिक उपलब्धि है, इतिहास में तो वही पढ़ाया जाता है, पर वो इंजन तो आज किसी पटरी पर नहीं चलता। तो इसी का नाम विकास है, फिर भी उनका महत्व है, क्योंकि उन्होंने पहले स्तर पर छोटा सा कुछ तो करके दिया, उसी को विकसित करके आज हमने इतना अच्छा बना लिया। तो उन पूर्व लोगों का जिन्होंने प्रारंभ किया उनको पूरा सम्मान महत्व देते हुए उसे हम और आगे बढ़ाते रहे, विकास करते रहे, अच्छी बात है। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया, उसके बाद हर्बर्ट ने, स्पेंसर ने, अन्य लोगों ने उसे आगे बढ़ाया, उसमें सुधार किया, जोड़ा। जैसा परमाणु के लिए मैंने कहा कि कणाद ने एक परमाणु सिद्धांत दिया, डाल्टन ने उसको अपने रूप में प्रारूप प्रस्तुत किया, है ना, डाल्टन का परमाणुवाद, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणुवाद, मैडम क्यूरी हो जाने क्या क्या, कितने उसको आगे बढ़ते हुए तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम्हारा विषय है, मैंने पढ़ा था, मान लीजिए बहुत समय हो गया, तो तुम लोगों को और अच्छी तरह भी जानकारी होगी। तो परमाणुवाद विकसित होता चला, किसी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं मैं तो डाल्टन का परमाणुवाद मानूंगा, रदरफोर्ड का मैं क्यों मानूं, मेरे गुरु तो डाल्टन है। ये जड़ता है, इसी का नाम विज्ञान है कि नए विकास को हम सहजता से स्वीकार कर लें, पुरानों का सम्मान करते हुए। डाल्टन का परमाणुवाद भी हमें पढ़ाया जाता है और ये बता दिया जाता है कि अब ये असत्य सिद्ध हो गया है, अब इससे हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो उनका सम्मान भी है, लेकिन हम वहीं पर बैठे भी नहीं है, आगे बढ़ गए। यही स्वस्थ दृष्टिकोण है जो हमें बनाए रखना चाहिए। जो नया सिद्धांत आया है उसकी चर्चा करें, यदि वो तार्किक सिद्धांत है तो मैं कहता हूं क्या उन्होंने पेटेंट कराया? जो नया आविष्कार होता है इतना तो तुम लोग जानते हो, अभी कोई नई चीज बनाओगे, कोई नया सिद्धांत आविष्कार करोगे तो उसका पेटेंट होता है, उसको उन्हें पेटेंट कराना चाहिए। और कुछ नया आविष्कार हुआ है उसके लिए नोबेल प्राइज के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे छोटे अन्य पुरस्कार भी होते हैं। यदि कोई नया आविष्कार हुआ है तो पहले तो उसका पेटेंट कराया जाए, उसका बिल्कुल परीक्षण साइंटिफिक किया जाए। ऐसा नहीं है कि अपने कुछ समर्थक शिष्यों के बीच ही उसका प्रचार करें, कह नहीं ना हमारे गुरु जी ने कहा है इसलिए अब ये बढ़िया हो गया, सब लोग इसी की बात करो। उसका एक उचित प्लेटफॉर्म पर वैज्ञानिकों को बाकायदा आमंत्रित करके उसको सिद्ध किया जाए, उसको पेटेंट कराया जाए, उसके लिए चर्चा होगी तो उस पर पुरस्कार मिलेंगे, हो सकता है नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। तो उसको उचित तरीके से बात करनी चाहिए। साइंस आदि के विषय में या विज्ञान में कोई आविष्कार हुआ है होना चाहिए, और हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई रोक भी नहीं है, करना चाहिए, तुम लोग बिल्कुल करो, जहां भी संभव है वहां चर्चा करो, अच्छी बात है, उस पर विचार किया जाए। ओम। कि जो भी सज्जन जुड़े हैं, एक सज्जन संभवतः अभी जुड़े हैं, तो इस सत्र में आप सभी लोग अपने प्रश्न अपने विचार रख सकते हैं, सनातन धर्म से संबंधित कोई भी बात रख सकते हैं, कृपया बोलें, चर्चा को आगे बढ़ाएं, अभी हमारे पास कुछ समय है तो बात कर सकते हैं, इसको जो भी कहना है, प्रश्न हो विचार हो तो रखिए। ओम स्वागत।
हाँ भाई, किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न विचार हो तो रखें, और यदि बात समाप्त हो गई हो तो समापन करें। बोलिए, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए ना, ठाकुर जी वो मंत्र के साथ समापन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए अभी। ठीक है, मैं समापन कर रहा हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको नमस्ते। यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ठीक है, इस सत्र का समापन करते हैं, इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अब सायंकालीन कक्षा में 7:30 बजे रात्रि में हम लोग पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म।